एग्जामिनेशन कंट्रोलर के पास बड़ी संख्या में विद्यार्थी पहुंचे और उनकी सप्लीमेंट्री की कॉपी का रिव्यू करने की मांग करने लगे। मामला बीएससी फर्स्ट और सेकंड ईयर के छात्र छात्राओं की परीक्षा परिणाम का है। डीएवीवी परीक्षा नियंत्रक आशीष तिवारी ने बताया कि उनके पास कुछ छात्र छात्राएं पहुंची और उन्होंने सप्लीमेंट्री परीक्षा की कॉपी की फिर से जांच करने की मांग की। तिवारी के मुताबिक सप्ली विद्यार्थियों द्वारा सप्लीमेंट्री की एग्जाम देने के बाद परिणाम से नाखुश विद्यार्थियों का कहना है कि उनके पेपर काफी अच्छे गए थे, इसलिए वह कॉपी की पुनः जाँच करने की मांग कह रहे हैं। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि अब सप्लीमेंट्री कॉपी की सैम्पलिंग होगी और एक के बाद ही विद्यार्थियों को परिणाम बताया जाएगा। ये छात्र छात्राएं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के छात्र छात्राएं थे, इनका जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया है तो उनमें दोबारा इनको सप्लीमेंट्री आई है। एज पर द नॉर्म्स तो कभी आपको सप्लीमेंट्री आती है तो उसके अंदर कुछ भी आपका रिव्यू या रिवोल्यूशन नहीं होता है, पर चूंकि छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारे पेपर्स काफ़ी अच्छे गए थे और हमको सप्लीमेंट्री नहीं आ सकती थी, तो माननीय वाइस चांसलर महोदय से हमारी चर्चा हुई थी तकरीबन 8 से 10 दिन पहले, और उनसे चर्चा के बाद में ये निकाला गया था कुछ हम छात्र छात्राओं की कॉपीज की सैंपलिंग करवाएंगे और कभी सैंपलिंग में कुछ चेंजेस आएंगे तो फिर बाकी दूसरी कॉपीज़ का भी हम चेक करवाएंगे। तो अभी सैंपलिंग के इन छात्र छात्राओं के बाद में लगातार हमारे पास में छात्र छात्राएं आ रहे हैं, तो हमने ये प्लान करा है कि जब पूरे छात्र छात्राओं के एप्लीकेशन आ जाएंगे उसके बाद में हम लोग इनका रिव्यू करवाएंगे। तो हमारे पास में काफ़ी छात्र छात्राओं के एप्लीकेशन आ चुके हैं और अब इनके सैंपलिंग के लिए हम कॉपी भेज रहे हैं, तो तकरीबन हमको 1 वीक और लगेगा, 1 वीक के अंदर हम इनका सैंपलिंग का रिजल्ट जारी कर देंगे हम इनका।